और सीधे रायपुर का रुख कर रहे हैं, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मोर्चा प्रकोष्ठ सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, बधाई देना उनको चाहते हैं। और ये जो लोगों तक पहुंच कर ये जो कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, निश्चित रूप से इससे पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है। और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है तो निश्चित रूप से हम लोग आने वाले विधानसभा के चुनाव में इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने में सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस दौरान आप प्रेस मीडिया और पत्रकार बंधुओं का भी, आप सब लोगों का भी सहयोग हम लोगों को मिला है, इसके लिए आप लोगों का भी आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। मुझे सांगठनिक जानकारी देनी थी, अब आगे मैं आग्रह करूंगा। अब आगे मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि प्रेस को संबोधित करेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब, माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, हमारे कोर ग्रुप के सभी वरिष्ठ साथी, प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत डिटेल से भारतीय जनता पार्टी के 2.5 साल के इस कार्यकाल कांग्रेस के पूरे होने के बाद जो कार्ययोजना बनाई थी और उस कार्ययोजना के बारे में आपको बताया कि कैसे गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सभी हमारे मोर्चे और प्रकोष्ठ के लोगों ने इस पूरे अभियान में न केवल हिस्सा लिया बल्कि जनता की जो भागीदारी रही, जिसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि ये सरकार सभी क्षेत्रों में पूरी तरीके से 2.5 साल में असफल हुई है और निराशा इतनी व्याप्त है कि 2.5 साल पूरे होने में जो हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं ने एक आग्रह किया था कांग्रेस से, आप ये बताएं 2.5 साल में कांग्रेस की उपलब्धि क्या है। 2.5 साल के अवसर पे समानता कोई सरकार अपने किए गए कामों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हैं, हमारी पहली सरकार है जो इतनी निराश है, वो कोई डेवलपमेंट के विकास के कामों को गिनाने का काम नहीं कर रही 2.5 साल में, आश्चर्य करेंगे, वो सवाल कर रही है। सवाल तो हमने पूछा है, छत्तीसगढ़ की जनता ने पूछा और इस विश्वास के साथ पूछा था कि इसका जवाब आएगा। और सवाल क्या था, ये कोई हमारा सवाल नहीं था, ये सवाल कांग्रेस का था, कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादे का था। और प्रश्न भी था कि सवाल तो पूछे जाएंगे, भूपेश जी जवाब तो देना होगा। ये गांव गांव में प्रश्न पूछे, नवयुवकों ने प्रश्न पूछा, अपने बेरोजगारी भत्ता के बारे में प्रश्न किया, 14,000 भर्ती, शिक्षक भर्ती के बारे में किया, 1 लाख पद के बारे में बात किया। और उम्मीद करते थे कि 2.5 साल का समय, आधा कार्यकाल उल्टी गिनती शुरू हो गई तो इसका जवाब आएगा, ये उम्मीद कर रहे थे, मगर जवाब तो नहीं आया। महिलाओं ने प्रश्न किया गांव गांव में, शराब की नदियां बह रही है, घर पहुंच सेवा हो गया, अब सवाल ये पूछ रही है महिलाएं कि तुमने वादा क्यों किया था और वादा किया था तो उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ। किसान आज पूछ रहा है 2 साल का बोनस कहाँ गया। समाज के वो वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, आपने सार्वजनिक रूप से अपने घोषणा जन घोषणा पत्र में वादा किया था, उनकी आंखें पथरा गई, विश्वास किया था कांग्रेस पे, समर्थन दिया था और आज वो सारे सारे वादे जब झूठे हो रहे हैं, जिनके बारे में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया
उसके डिटेल इतनी जानकारी में देने की जरूरत नहीं समझता। आज जनता के बीच जाकर जब लोगों ने सवाल किया तो जवाब नहीं बना, और अब प्रदेश अध्यक्ष इनके बोल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सवाल पूछने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिनके जवाब दही है विकास। मुख्यमंत्री को जवाब नहीं थी, मुख्यमंत्री को इन सब सारे बातों का जवाब देना था और उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके मालूम है कि 28 साल में इस सरकार ने सिवाय लूट के, सिवाय बेईमानी के, माफिया राज छत्तीसगढ़ में पैदा करने के सिवाय छत्तीसगढ़ के गांव गांव के लोग अब पहचानने लगे हैं कि कलेक्टर के पद के लिए जब बोली लग जाती है, पेमेंट सीट कहा जाता है, रेत से लेकर शराब से लेकर कोल माफिया पूरे प्रदेश में आज एक एक गांव में कब्जा कर चुके हैं। इस परिस्थिति में जनता को ये लग रहा है कि वो छले गए हैं। उनके साथ निश्चित रूप से जिस प्रकार बेईमानी हुई और जिस वादे को लेकर आए, आज उन वादों को पूछने का समय 2.5 साल आया है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, 2.5 साल में पहला सवाल इस सरकार से सबसे महत्वपूर्ण है, और ये सवाल ये है कि आर्थिक बदहाली, डेवलपमेंट के सारे काम ठप क्यों है? ना कहीं पे सड़क का निर्माण हो रहा है, स्कूल का निर्माण हो रहा है, पुल पुलिये का निर्माण हो रहा है, वित्तीय स्थिति चौपट क्यों हो गई है, आर्थिक रूप से दिवालियापन की ओर क्यों बढ़ रहे हैं, और किसी राज्य की सबसे खराब स्थिति जो हो सकती है वो 2.5 साल में छत्तीसगढ़ ने देखा। इसके कुछ नमूने मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार और उसकी वित्तीय स्थिति आज क्या है, और इस स्थिति में मैं मांग करता हूं कि एक श्वेत पत्र सरकार जारी करे, मुख्यमंत्री जारी करे, अपने वित्तीय स्थिति की जानकारी छत्तीसगढ़ की जनता को दे, यहाँ के लोगों को दे कि आज छत्तीसगढ़ दिवालियापन की स्थिति में क्यों है। सीएजी की रिपोर्ट 2020-21 में कुल राजस्व आय 63,155 करोड़। मैं आपको तुलनात्मक ये बताना चाह रहा हूं, जो आरोप लगाते हैं केंद्र के ऊपर, आज उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। 63,155 करोड़ कुल राजस्व आय, इसमें केंद्रीय योजनाओं का शेयर 33,144 करोड़ है। इसका मतलब हुआ कि कुल राजस्व व्यय का आय का 52.5% केंद्र सरकार की योजनाओं से प्राप्त है। राजस्व स्वयं का, राज्य के स्वयं का राजस्व 30,011 करोड़ है। यानी आप तुलना करेंगे तो कुल राजस्व आय राज्य के हिस्से का 47.5% है। बजट में ये देखते हैं कि 53.5% केंद्र सरकार की योजनाओं से प्राप्त है और राज्य का हिस्सा सिर्फ 47% है, और इसमें इन्होंने राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा था 83,831 करोड़ का, जो वास्तविक प्राप्ति का केवल 75% है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूंगा, राजस्व सरकार के खर्चे की बात करें, कुल खर्चा 80,126 करोड़, कुल खर्च बता रहा हूं मैं, 2021 के आंकड़े, सीएजी के आंकड़े के आधार पर बात कर रहा हूं, कुल खर्चे 80,126 करोड़, जिसमें राजस्व व्यय 70,611 करोड़ है। अब इसको मैं बता दूं, राजस्व व्यय का मतलब क्या होता है, जिसमें पेंशन, वेतन, ब्याज, अनुदान, सब्सिडी 88% हिस्सा, सरकार के पैसे का क्या उपयोग हो रहा है 2.5 साल के होते होते, ये आंकड़े आपको दिखाना बताना चाहता हूं छत्तीसगढ़ की जनता को,
उनके एक एक पैसे का क्या दुरुपयोग कर रहा है ये सरकार कर रही है। 88% 88% हिस्सा जो है अनुदान में, सब्सिडी में, भुगतान में 5,600 करोड़ तो ब्याज का है, 88% सिर्फ और सिर्फ राजस्व में खर्च होता है। क्यों नहीं होगा दिवालिया पर? क्यों सड़क के निर्माण, पुल के निर्माण, स्कूल के निर्माण, अस्पताल के निर्माण, ये सारे काम ठप क्यों हो रहे हैं? जब ये प्रश्न उठाया जाता है तो मैं ये कहता हूं पूंजीगत व्यय सिर्फ 12% खर्चा है। पूंजीगत व्यय का मतलब जो अधोसंरचना का निर्माण छत्तीसगढ़ में करते आए हैं हम लोग, उस खर्चे में सिर्फ 12% खर्च हो रहा है। हमारी सरकार के समय आप देखेंगे तो 17 और 18% तक जाता था, ये 12% हो चुका है। ये है वित्तीय प्रबंधन। इसलिए मैं जब श्वेत पत्र की बात कर रहा हूं तो ये श्वेत पत्र जारी करने से जनता तक ये आंकड़े जाएंगे जिसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस सरकार का राजस्व घाटा जो राजस्व आय और व्यय के अंतर में होता है 7,458 करोड़, 20 साल के इतिहास में सर्वाधिक, 20 साल के इतिहास का सबसे ज्यादा राजस्व घाटा। जब ये पैसे इनके पास नहीं रहते और जब पूंजीगत व्यय में पैसा नहीं होता तो विकास कैसे ठप होते हैं, इसके उदाहरण भी देना चाहूंगा। उसका उदाहरण बहुत सामान्य सा है कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में 4,80,000 मकान जो स्वीकृत थे, ये मैं कारण सहित बता रहा हूं कि नुकसान सरकार के बदलने से गरीब आदमी को कैसे होता है, बीपीएल परिवार को कैसे होता है, उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन कैसे आता है, ये आंकड़े गांव-गांव में दोहराए गए हैं, जनता तक बताने का प्रयास हमने किया है। प्रश्न जब पूछे गए हैं तो यही प्रश्न जनता के बीच पूछे गए हैं और ये प्रश्न हमने जब किया 4,80,000 मकान ये वापस हो गए हैं, ये राजस्व की स्थिति हमारी खराब होने से ये 4,80,000 गरीब परिवार को जो मकान बनना था वो मकान नहीं बन पाए, उनके मकान ना बनने के कारण गरीबों के जीवन में और आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने जो 1,90,00,000 मकान की पूरी योजना बनाई थी छत्तीसगढ़ में, जिन मकानों को आने वाले समय में, अभी तो 6,00,000 स्वीकृत हुए थे जब सरकार गई थी, आने वाले समय में सबके लिए आवास योजना थी, उन योजनाओं का पूरी तरीके से समाप्ति की ओर है। ये सरकार को एक एक गांव का मैं हिसाब बताऊंगा तो यदि हम 10,000 पंचायत को कहें और इन आंकड़ों के आधार में कहें तो एक एक पंचायत में आज के तारीख में 60,00,000-70,00,000 तक आवास के काम जो होने थे जिसमें रोजगार के अवसर का सृजन होता वो भी समाप्त कर दिया है सरकार ने। ये इनकी राजस्व की स्थिति है और राजस्व की स्थिति में इनकी जो कुल राजस्व की स्थिति है और सरकार ने जो जिस प्रकार से कर्ज लिया, आज 17 दिसंबर 2018 को कांग्रेस की सरकार बनी, इस सरकार कांग्रेस के सरकार जब बनी तो 40,000 करोड़ का कर्ज था और दिसंबर 2003 में जब हमारी सरकार बनी तो 8,000 करोड़ रुपया कर्ज के रूप में मिला। 15 साल का हिसाब, और 15 साल का हिसाब यदि आप देखेंगे इस सरकार के कर्ज और हमारी सरकार के, इन सरकार के 2.5 साल के कर्ज और हमारी सरकार 2.5 साल में 15,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो गया
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 37,000 करोड़ का कर्ज लिया। आप तुलना करेंगे एक साल में 15,000 करोड़ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एवरेज 2,200 करोड़ का हम कर्ज लेते थे, यानी कर्ज जो है 2,200 करोड़ से बढ़ के 15,000 करोड़ हर साल हो गया। मगर इनकी वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई कि कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं, 5,600 करोड़ तो ब्याज के लिए पटाने के लिए कर्ज कर रहे हैं और आने वाले समय में 1,15,000 करोड़ से जब इनका 5 साल पूरा होगा 1,05,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज की स्थिति में ये सरकार पहुंच जाएगी। ये इनका वित्तीय प्रबंधन का एक नमूना है जो मैं बोलता हूँ कि श्वेत पत्र जारी करें, गरीबों का क्या नुकसान हुआ है और किस प्रकार ये सरकार गरीबों के लिए मजदूरों के लिए जो सवाल पूछे गए वो सवाल गली गली में पूछे गए थे, गांव गांव में पूछे गए थे और उसका जवाब नहीं आया, उल्टे सरकार आंदोलन की दिशा में जा रही। 18 तारीख को ये आंदोलन कर रहे जिन्हें जवाब देने की जवाबदारी है। एक महत्वपूर्ण विषय जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि गरीबों का अहित कैसे इस सरकार ने किया, वन नेशन वन राशन कार्ड। छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा पलायन करने वाले राज्यों में है, छत्तीसगढ़ के मजदूर हिंदुस्तान के सभी राज्यों में पलायन करके जाते हैं। जब सरकार को मजदूरों की चिंता है, पलायन की चिंता है, जो यहाँ से लखनऊ आगरा कानपुर हैदराबाद जाते हैं, जयपुर तक और जयपुर के आगे श्रीनगर तक हमारे मजदूर जाते हैं 6 महीने 8 महीने, उनके लिए राशन की व्यवस्था करने की जवाबदारी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की थी और ये योजना थी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। हिंदुस्तान के 3 राज्य हैं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण योजना को लागू करने में रुचि नहीं दिखाई और इन्होंने रुचि नहीं दिखाया, छत्तीसगढ़ की सरकार, दिल्ली की सरकार और वेस्ट बंगाल की सरकार। यदि ये बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ के मजदूर जहां भी रहेंगे उस राशन कार्ड से राशन लेने की सुविधा मिलेगी और उनके लिए बड़ी सुविधा पूरे हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया दिया है और इस व्यवस्था को करने का छत्तीसगढ़ की सरकार इसमें असफल रही है। 2.5 साल पूरा होने पर जितने सवाल माननीय राज्य प्रदेश अध्यक्ष जी ने किए, जितने सवाल हमारे कार्यकर्ताओं ने किए, ये सवाल का जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा और वित्तीय प्रबंधन के लिए श्वेत पत्र भी जारी करना पड़ेगा। यही आग्रह हम सबने करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट। तो सरकार के 2.5 साल आज पूरे हो गए हैं जिसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है सरकार ने कोई काम नहीं किया, जो वादे मैनिफेस्टो में किए गए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया है। और हमारे सभी नेतागण, पत्रकार मित्रों, 2.5 साल 5 वर्ष की सरकार में आधे समय के बीच में 2.5 साल चले गए और 2.5 साल में जाने के बाद में जो सबसे बड़ी जो बातें आई है भर करके वो है विश्वसनीयता। कोई भी सरकार जब लोकतंत्र में चुनाव के पूर्व जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में वादा करते हैं और वादा करते हैं, अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं जिसमें मुख्य रूप से घोषणा पत्र को वचन पत्र कहा जाता है, लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं और विश्वास करके अपना मत देते हैं। कांग्रेस ने जिस प्रकार से चुनाव के पूर्व घोषणा पत्र जारी किया, बड़े बड़े जो सपने दिखाए गए और सपने दिखाने के बाद में छत्तीसगढ़ के जनता ने उनको सत्ता सौंपी, सौंपने के बाद में उम्मीद किया जाता है कि जिस बात को लेकर के जनता के बीच में गए हैं वो दिखाई देगा। लेकिन इस 2.5 वर्ष के कार्यकाल में जो उनके बड़े वायदे रहे हैं 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है।
36 बिंदु का घोषणा पत्र जारी हुआ और 36 बिंदु के घोषणा पत्र पर जो सबसे प्रमुखता के साथ में कांग्रेस के द्वारा जो वादा किया गया कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जब गांव में जाकर के हम इस बात को रख रहे हैं कि कार्यक्रम हमारा शुरू नहीं हुआ है, महिलाएं खड़े हो जाती है और खड़े होकर के एक ही बात बोलती है कि भैया पूरा प्रदेश चौपट हो रहा है, परिवार चौपट हो रहा है, कैसे भी करके शराब को बंद करवाइए। महासमुंद की घटना आपके सामने में है कि एक महिला अपने 5 बच्चों के साथ में जाकर के ट्रेन के पटरी में जाकर के आत्महत्या की, अनेक परिवार तबाह हो गए शराब के कारण में। और जिस शराब को बंद करने की बात कही गई थी आज ये शराब बहानाबाजी में लगी हुई है, उनके भाषा और शैली बदल गई है। एक उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कहना साफ हर किसान का कर्जा माफ, यदि हम अल्पकालीन ऋण छोड़ दें कोऑपरेटिव बैंक के, जिला सहकारी बैंक के, ग्रामीण बैंक के, बाकी बैंकों का आज भी नोटिस जा रहा है और नोटिस जाने के बाद में हमारे जो किसान हैं पेनाल्टी के साथ में खेत बेच करके पटा रहे हैं। ये सरकार तो बोल रही है हम किसानों के लिए बहुत किए बहुत किए, ऐसा कोई महीना नहीं है, कोई सप्ताह नहीं है कि किसान आत्महत्या ना करें। 2.5 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 450 से ऊपर किसान आत्महत्या किए, कोई कर्जे के कारण में आत्महत्या किए है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। अभी आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से यहां पर हमारे प्रदेश के गृह मंत्री के रिश्तेदार के पुत्र के द्वारा उनके द्वारा आत्महत्या किया गया कर्जे को लेकर के, लगातार ये स्थितियां बनी हुई, अनाचार की घटनाएं लगातार घट रही है, चाहे वो हत्या के हो, आत्महत्या हो, रेप की घटनाएं हो और उसके साथ में अपराध, लूट, हत्या, डकैती। आप देखेंगे 2.5 वर्ष के अंतर्गत में जिस प्रकार से लगातार यहां पर हत्या का दौर जो चल रहा है कि 1888 आत्महत्या, हत्या का प्रयास 1281, अपहरण 4426, चोरी लूट 13717, बलात्कार आत्महत्या में प्रदेश हमारे चौथे स्थान पर है, महिलाओं के अपहरण में 7वें स्थान पर है और पिछले वित्तीय वर्ष में 13575 लोगों ने, जिस प्रकार से इस प्रदेश में जो घटनाएं घट रही है हम लोग जो देख रहे हैं, वास्तविक में सरकार है कहां पर? हम देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। पूरे प्रदेश में ऐसा लगने लगा है कि जो शांति का टापू छत्तीसगढ़ था अपराध के गढ़ के रूप में बदलने लगा है। सिलगेर की घटना आप देखे कि जिस प्रकार से वहां पर जमावड़ा हुआ और जमावड़ा होने के बाद में कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे थे भाजपा के ऊपर कि भाजपा के लोग वहां तक नहीं पहुंचे, वास्तविक में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल गए, जाकर के प्रेस से अधिकारियों से बातचीत किए, ग्रामीण के लोगों से बातचीत किए और यदि ये लोग गए होते तो वहां पर कदावर मंत्री है सुकमा के, लेकिन वो घटना स्थल पर नहीं गए, वहां के सांसद वहां पर घटना स्थल पर नहीं गए, प्रदेश के गृह मंत्री वहां पर जाना मुनासिब नहीं समझा, प्रदेश के मुख्यमंत्री बातचीत करना उचित नहीं समझा और जब भाजपा के प्रतिनिधिमंडल गए तब लोगों के जुबान में यह चर्चा आई कि जब भाजपा के लोग यहां तक आ सकते हैं तो कांग्रेस कहां पर है, आखिर कांग्रेस के लोग क्यों नहीं आ सकते यहां पर? तब इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस के लोग आधे अधूरे बीच में मार्ग में पहुंचे हैं। अब तो हम देख रहे हैं सरकार उनकी है, निर्णय आपको लेना है, आपको प्रतिवेदन सौंपा गया है और प्रतिवेदन सौंपने के बाद में जिन लोगों की हत्या हुई है पुलिस से उस परिवार को आप क्या न्याय दिलाने वाले हैं? हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आपकी न्याय व्यवस्था कैसी है, हम इसका इंतजार कर रहे हैं। मित्रों, जिस प्रकार से हम लोग यहां पर
मंत्रियों की जब बात करें कि जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जनप्रतिनिधियों को लेकर के आक्रोश की स्थिति, विधायकों को लेकर के मंत्रियों के लेकर के विधायकों में जो आक्रोश की स्थिति और मंत्रियों का जो अंतर कला और अंतर द्वंद एक बार नहीं आप देखे होंगे अनेकों बार सामने आए, ऐसा लगता है कि ये सरकार में कोई निर्णय सामूहिकता की नहीं है। आप देखेंगे कि एक मंत्री का बयान आया है तत्काल आधे घंटे के अंदर में दूसरा मंत्री का विरोधी विरासी बयान आपके सामने तत्काल हो जाएगा। और जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है वास्तविक में प्रदेश को गर्त में ले जा रहे हैं। आज वित्त की जो चर्चा डॉक्टर साहब के द्वारा किया गया है मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जो इन्होंने कहा कि हम एक सपना दिखाए कि हम लोगों को रोजगार देंगे। तो बीजेपी की पीसी को आपने सुना जहां भूपेश सरकार की नाकामियों को बीजेपी गिना रही